31st नाइट आणि फुल टाइट असं तुमचं प्लॅनिंग असेल तर तुमच्यासाठी डॉक्टरांचा खास सल्ला आहे. काय आहे हा सल्ला पाहूया. अल्कोहोल प्रमाणात घ्या. बियर घेत असाल तर 350 मिलीमीटर पेक्षा जास्त नको. रम, जीन, विस्की, वोडका घेत असाल तर 2 औंस पेक्षा जास्त नको. कुठल्याही प्रकारच्या अल्कोहोलबरोबर तळलेले पदार्थ खाऊ नका. अल्कोहोल बरोबर शेंगदाणे किंवा बदाम खा. उपाशी पोटी अल्कोहोल घेऊ नका. अल्कोहोल शरीरातल्या पाण्याला बाहेर फेकतो. आपण पाहतोय हँगओव्हर झाल्यानंतर नेमकं काय करायचं तर हँगओव्हर जाण्यासाठी शहाळ्याचं पाणी प्या. त्याचबरोबर टोमॅटो आणि काकडीचा एकत्र ज्यूस प्या. टॉक्सिन शरीराबाहेर टाकण्यासाठी फळांचा ज्यूस घ्या. काफी कॅलरी डेन्स होता है एंड ये एम्प्टी कैलोरीज देता है. इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो इसकी जो सारी कैलोरीज होती हैं वो हमारे पेट पे जाके फैट के रूप में रिसाइड होते हैं बॉडी में, और उससे लॉन्ग रन में हार्ट, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ओके, अगर आपको लेना ही है तो सोच समझ के लीजिए, राइट क्वांटिटी में लेना है. हैंगओवर हुआ है तो सबसे पहले तो पानी चाहिए शरीर को, क्योंकि जितना अल्कोहल हमारे अंदर जा रहा है उससे 4 गुना अधिक पानी हमारे शरीर में से बाहर आ जाता है, क्योंकि अल्कोहल एक डायूरेटिक है, वाटर को शरीर में से फ्लश करता है बाहर. ओके, सो बेसिकली पानी बहुत सारा, जब आप उठते हैं नींद में से तो नारियल पानी ले सकते हैं, पतला छाछ ले सकते हैं वो इफ़ेक्ट कम करने के लिए, टमाटर कुकम्बर का जूस मिक्सी में पीस के ले सकते हैं, फ्रूट जूस मॉर्निंग में टॉक्सिन्स फ्लश करने के लिए ले सकते हैं. ये सारी चीज़ें बहुत ही फायदेमंद रहेंगी और हैंगओवर इफेक्ट को कम करेंगी. Z24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.